अंजना क्वेश्चन में लिखा था 16 दिसंबर है आज, जो इच्छा पूरी नहीं कर सकता मेरा देश, वही फिर से मांग रही हूं। बेखौफ आजाद रहना पसंद है मुझे। मेरी बेटी आज भी पेपर स्प्रे लेकर घर से निकली है, मुझे आज भी डर लगता है मेरे भारत में। कहते हैं और अब ट्रेंड चलने लगा है बॉलीवुड का बहिष्कार करो, तीनों खान चुप क्यों हैं? ये बात पायल रोहतगी के बारे में है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था राजस्थान में नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू जी के बारे में गलत बयानी करने के लिए वीडियो डाल। दोस्तों बात करेंगे आज कुछ ऐसे मुद्दों की जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बात करेंगे अंजना ओम कश्यप के डर की, बात करेंगे देश में चल रही राजनीति की, बात करेंगे देश में चल रहे अविश्वास की, बात करेंगे देश में जो भी कुछ चल रहा है एक राजनीतिक पहलू की तरह, जिसको एक तरह से मतलब क्या कहते हैं, मतलब उसका फायदा लिया जा रहा है किसी एक पार्टी के द्वारा। अब यहाँ चीजें बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं अंजना ओम कश्यप के एक ट्वीट से जो 16 दिसंबर को उन्होंने डाला था। और उन्होंने बोला था अंजना ओम कश्यप ने, अगर किसी और ने बोल दिया होता तो उसको देशद्रोही पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता। अंजना ओम कश्यप ने लिखा था 16 दिसंबर है आज, जो इच्छा पूरी नहीं कर सकता मेरा देश, वही फिर से मांग रही हूँ। बेखौफ आज़ाद रहना पसंद है मुझे। मेरी बेटी आज भी पेपर स्प्रे लेकर घर से निकली है, मुझे आज भी डर लगता है मेरे भारत में। इन वर्णों पर कुछ ध्यान दीजिए, इन वर्णों के बारे में कुछ सोचिए जो अंजना ओम कश्यप ने ट्विटर पर बस कुछ कीज दबा करके लैपटॉप की या मोबाइल की लिख दिए। इनका मतलब समझ में आ गया होगा आपको या समझने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मेरे कहने और उनका जिक्र करने की जरूरत क्या थी ये मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कुछ ऐसी ही लाइनें आमिर खान की वाइफ ने लिखी थी किरण जी ने, 2014 में मोदी जी के चुनाव जीतने के बाद, तो उनको देशद्रोही साबित करने की पूरी कोशिश कर दी जा रही थी। बहुत सारे हैशटैग और बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा सारी चीजें चलाई जा रही थी, लेकिन अंजना ओम कश्यप के साथ ऐसा ना हो सका। अंजना ओम कश्यप वाकई में एक पत्रकार हैं, और जिस तरह से उन्होंने सहायता की है प्रधानमंत्री मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की, वो वाकई में सराहनीय है। राज्यसभा इनको क्यों नहीं मिली मेरी समझ में नहीं आया, राज्यसभा का इनको सांसद बना दिया जाना चाहिए था अब तक, लेकिन नहीं बन पाई। आज उनकी बेटी को डर लगता है। सुधीर तिहाड़ी को जेट श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, अंजना ओम कश्यप की बेटी को नहीं मिल सकती, क्योंकि अंजना ओम कश्यप शायद कुछ पैसे लेकर के कुछ बोलती होंगी, या मतलब गंदी भाषा में जो सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं मुजरा करती होंगी, लेकिन मैं इस तरह के शब्द उनके लिए यूज़ नहीं करूँगा। वो सेलिब्रिटी हैं, बहुत अच्छी पत्रकार रही हैं और बहुत फर्ज निभाया है उन्होंने 2014 तक जब यूपीए सरकार थी उनकी पोल खोलने में, लेकिन 2014 से गूंगी बनी हुई हैं अंजना ओम कश्यप। आज उनको भी डर लगता है जब रेप केस की वारदातें होती हैं, उन पर फैसले तक नहीं आते। कुलदीप सेंगर का फैसला आपको पता चला दोस्तों? किसी मीडिया ने बताया? नहीं बताया होगा, कोई खबर नहीं चली होगी, ना ट्विटर पर कोई सोशल मीडिया का ट्रेंड चला होगा, और वह खबर दबा दी गई होगी, क्योंकि सब कुछ सेटिंग है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, हो जाता है। दोस्तों दूसरी बात करना चाहूँगा मैं आज कुछ उन बुड्ढों की, बूढ़े बुड्ढों की, जिनके बारे में बड़ा सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। वो हैं अपने अमिताभ बच्चन जी, जिनके बारे में ट्विटर पर बहुत सारी बातें हो रही हैं और ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, मैं आपको क्या बताऊं। बातें तो ऋतिक रोशन और दीपिका के रिश्ते पर भी हो रही हैं, दीपिका जानते होंगे आप, और बुड्ढे बेकार हैं इस तरह का कुछ चला। हाँ, बॉलीवुड के बेकार बुड्ढे, दो तीन ट्वीट में पढ़ के बता देता हूं आपको। डॉक्यूमेंट अमिताभ बच्चन स्पाइन दिस फोल्डर इज एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि अभी तक
कोई भी ट्वीट सीएबी बिल के खिलाफ किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी खान ने, किसी भी आन ने, किसी भी जान ने, किसी भी बच्चन ने नहीं डाला। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी के स्टार समझे जाते हैं, जो सावधान इंडिया चलाते हैं, जैसे सुशांत सिंह चलाते हैं, उनका आगे उन्होंने सावधान इंडिया से अपने आप को अलग कर लिया सीएबी बिल के विरोध में। एक बयान और आया, एक ऐसे अभिनेता का जो बस अभी सीढ़ियां चढ़नी शुरू हुआ है। जी हाँ, उसने बोल दिया सुशांत सिंह के बाद कि मैं छात्रों के साथ हूँ, अगर छात्रों को पीटा गया है अंदर घुस के तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन भारत माता के बेटे का बयान नहीं आया अक्षय कुमार का, जिसके खिलाफ कल भी ट्रेंड हो रहा था सोशल मीडिया पर, एक बड़ा एक्टिव ट्रेंड कि इस कैनेडियन कुमार का बहिष्कार करो, क्योंकि भारत के नागरिक तो है नहीं अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार ने लाइक करके उसको मिटा दिया, सीबी के जो पड़ा हुआ था उसको बोले मैंने एक्सीडेंटली लाइक कर दिया था। तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर जिनकी पिक्चरें हम देखते हैं, और अब ट्रेंड चलने लगा है बॉलीवुड का बहिष्कार करो। तीनों खान चुप क्यों हैं, तीनों सारे के सारे लोग चुप क्यों हैं? तो हो सकता है भैया गलत धंधे कर रहे होंगे तभी तो चुप होंगे, पर ना क्यों चुप रहते ये लोग, इनका कोई फायदा होता तो बोलते। ये थी बॉलीवुड से जुड़ी खबर जिस पर मैं बोलना चाहता था और आपको बताना चाहता था, जो आप तक पहुंचाना चाहता था, जो ट्विटर पर नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है, जो केवल यूट्यूब के सहारे खबरें देखना सुनना पसंद करते हैं और बातें सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोगों ने तो ये बोल दिया कि खान, तीनों खान मर चुके हैं, इनकी अंत्येष्टि हो चुकी है, इनका कोई जवाब नहीं आ रहा। तो अगर भाई ये खान मर चुके हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि खान लोगों को शर्म आ जाए, जिनकी पिक्चरों की टिकट लेकर के हम भीड़ में लग कर के देखते हैं, इनका विरोध वही वक्त करते हैं, और जब सही चीज़ होती है तो ये तीनों चुप रहते हैं, क्योंकि इनको एक्टिंग से मतलब है, देश से मतलब नहीं है, देश से मोहब्बत नहीं है। तो गद्दार किसको कहा जाए, तो भक्त सही बोलते थे गद्दार हैं ये लोग, तो गद्दार कहने में क्या परेशानी है? गद्दार हैं तीनों खान, गद्दार हैं सारे सुपरस्टार, गद्दार हैं वो सारे लोग, इनको अब बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को। अमिताभ बच्चन के बोल नहीं आते, किसी के बोल नहीं आते, इसीलिए चलने लगता है सारे बॉलीवुड के बुढ़े बेकार। जावेद अख्तर का आता है सिर्फ, बाकी किसी का नहीं आता। अब चलिए साहब बढ़ते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात जुड़ी हुई है, एक बड़ी मजाकिया सी है, लेकिन उसको मैं बताना नहीं चाहूँगा, शायद किसी की बेइज्जती कर दूंगा, इसलिए चुप रहना बेहतर समझूंगा, क्योंकि बात अगर मैंने बोल दी तो बात लंबी चली जाएगी, आवाज़ दूर तक चली जाएगी। लेकिन ये बात पायल रोहतगी के बारे में है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था राजस्थान में नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू जी के बारे में गलत बयानी करने के लिए, वीडियो डालने के लिए। अब उसके लिए भक्त जो है चला रहे हैं स्वागत पायल, स्वागत पायल, अरे स्वागत पायल, स्वागत पायल क्या कर रहे हो? पायल रोहतगी का कैरेक्टर बिग बॉस में हम लोग देख चुके हैं, तो उसके बारे में बताने की जरूरत हमें नहीं है कि पायल रोहतगी हैं क्या, उनकी कितनी अक्ल है, उनमें कितनी समझ है, सब समझते हैं, सारी दुनिया समझती है कि पायल रोहतगी किस तरह की लेडी हैं। वो चीफ पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकती हैं, वही काम वो बिग बॉस में करती थी वो अब भी करती हैं। तो ये खबर कैसी लगी आपको दोस्तों, जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई है और खबर पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई है, खबर लोगों के गुस्से से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।